ये बनना हमारे यहाँ घर के देसी स्टाइल में चूल्हे में सब्जी। तो ये हमारी सरसों जो अपने पेड़ में से निकल के आ चुकी है यहाँ पे। पसंद आ गया? बहुत ही ज्यादा। फिटिंग मस्त है ना? फिटिंग मस्त है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आए हो सब लोग? ठीक हो गए? तो मैं पहुंच चुका अपने घर में उत्तराखंड में। तो मैं यहाँ का आपको थोड़ा नजारा दिखाता हूँ सुबह मॉर्निंग के, और सुबह हो चुकी है। ये देखो मेरे पीछे से यहाँ से सन मामा निकला, आपको सर अभी दिख नहीं रहा होगा, देखो है। और बहुत हरा भरा, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। मैं और माने तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। पर अभी कीर्ति ना, उसको बड़ा बुरा लग रहा है कि कीर्ति अभी घर में अकेली है ना, और एकदम वो दो दिन की छुट्टी होगी, ऑफिस भी नहीं गई है, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे को बहुत याद आ रही है। तो दिखाता हूँ यहाँ के थोड़े नजारे आपको। तो घर में मम्मी पापा ने ये धनिया लगा दिया है, ये धनिया का हो रहा है। और ये देखो, ये सब उतना सारा प्याज की पौधे है, और प्याज पौध नहीं, प्याज है, वहां तक प्याज है। और देखो इधर को ये लीची का पेड़ है, वो देखो आम के पेड़ में बहुत सारी मोरें आई है, ये आई है इधर को, ये सब आम की मोर है, आम है, तो आम की मोर आई है यहाँ पे। मैं अपने घर के पीछे हूँ, और इसमें शायद ये जो खेत है ना यहाँ पे खाली ये दिख रहा है, इसे खाली नहीं है, इसमें मक्के का खेत है, इसमें मक्का बो दिया है, तो मक्का बो दिया है। और ये है केले का पेड़, बनाना, इसमें केला सा लगा हुआ, दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये यहाँ एक ये है पेड़, वो केले दिख रहे हैं लगे हुए, और वो लगे हुए हैं। और ये हमारा है गेहूं का खेत, ये देखो पूरा का पूरा यहाँ पे ये प्याज का पेड़ लगाए पड़े हैं, तो प्याज यहाँ पे हो रहे हैं। और ये देखो व्हाइट कलर की यहाँ चिड़िया, इसे बुगली बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं और कहाँ पे क्या बोलते हैं आपके इधर को, हमारे यहाँ पे बुगली बोलते हैं ये पेड़ बैठे पड़े हैं। तो ये पूरा गेहूं का खेत है यहाँ पे। और वो देखो धनिया इधर को बड़ा भी हो गया है इधर को, तो दिखाता हूँ ये सब हमारा ही, इतना पूरा पीछे हमारा ही है। और इधर को देखो गेहूं सब हो रहा है अभी, ये क्योंकि इधर ना ये अभी वाला गेहूं थोड़ा छोटा है, इसलिए छोटा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से पहले लाही लगाई थी सरसों, तो सरसों काटने के बाद इसको लगाया, तो ये पीछे रह गया है। वैसे फिलहाल इधर अभी जो गेहूं हो गए उनकी जो हाइट है वो इस वाले खेत के बराबर है, मतलब इस वाले गेहूं के बराबर है, जैसे ये अभी हो रही है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये वाला गेहूं, इतने बड़े बड़े गेहूं हो गए इधर को सब। और इसकी देखो जो इसकी जो बाली, ये सब बाली बोलते हैं, ये बाली इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो ये सब आपके इधर के हमारी एक खेत है, और उधर को ये हमारे यहाँ पे जानवर बहुत हैं, मतलब भैंस गाय बहुत हैं, तो ये सब पूरा चारा है यहाँ पे, ये इधर को पूरा चारा लगा पड़ा है यहाँ से वहाँ तक, और उधर को भी पीछे चारा लगा पड़ा है, ये पूरा इधर का हमारा पूरा खेत, तो इधर को पूरा ये चारा लगा पड़ा है यहाँ पे, ये वहाँ तक। और वो उधर को ना वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ये यहाँ पे हमारे मसूर का खेत है, मसूर, तो मसूर वहाँ पे अभी वहाँ भी है, और वो है मम्मी वहाँ पे अभी मसूर का, वो मतलब उसको खेल रही है अभी यहाँ पे। और इधर दिखाता हूँ ये जो इधर को जो दिख रहा है ना, इधर को आपको थोड़ा दिख रहा है, ये पीछे को यहाँ पे ना अभी धान लगा रहे हैं, मतलब चैनी, इसको चैनी बोलते हैं जो गर्मी वाली होती है, तो यहाँ पे चैनी लग रही है यहाँ पे, तो इधर चैनी लगा रहे हैं। उधर और कैसे खेत है, बाकी जो मेरा घर का जो मेन पोर्शन है वो ये है, देखो वहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ रखे, तो उसके आगे हमारा घर है, ये इधर हमारा घर है, तो आप देख सकते हो इधर को सूरज मामा ये आ गए हैं। तो मिलिए मेरे डॉगी से, ये है टोजो, देखो ये अब तो ये बूढ़ा हो गया, पहले बहुत सता है। टोजो आना इधर को, टोजो आ, ये देख ये है टोजो, मिलो गाइस से टोजो से, देखो ये है टोजो, टोजो। तो अभी तो मैं नया भी नहीं हूँ, पूरा ऐसे ही है, अभी देखता हूँ क्या करना है। आज मेरा पहला दिन है घर में रहने का, तो सुबह से बहुत एंजॉय किया, अभी उठ के मैंने खाली ब्रश करके चाय भी नहीं पी है, उसके साथ जो खाने का रहता है, पापड़ रहते हैं, चिप्स रहती हैं, गुजिया, वो खाई है खाली। और अभी तक मैं ऐसे घूम रहा हूँ, घर में काम चल रहा है, अभी भैया लोग अभी खेत में दवाई डालने जा रहे हैं, और यहाँ पे जो इधर को पीछे ना हमारे यहाँ पे अभी जानवर के लिए, मतलब गाय भैंस को रहने के लिए घर बना रहे हैं, तो अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है, दिखाता हूँ अभी वहाँ पे। तो ये बनना जानवर के रहने के लिए घर। भाभी ने धो दिया गेहूँ आटा पिसाने के लिए, तो इसको धो दिया है, क्योंकि इसको पहले धो लेते फिर गेहूँ पिसाते हैं, तो इसको धो के रख दिया, इसको हम धूप डालने जा रहे हैं। हर्ष, हम दोनों मिलके इस पूरे 4 रुपए को ना गेहूँ वाले से भरे हुए इसको उठा के लेके जाएंगे, तो ये कह रहे उठा लेंगे, मैं क्यों नहीं उठा लेंगे, आप इसे पहले उठा के दिखा एक बार मेरे को, उठा तो एक बार, ये हमने यहाँ पर उठा के रख दिए, काफ़ी वजन था पर ला के रख दिए, मैं अभी सांस लें और जोड़ दे, और अभी यहाँ पे हम इसको डालेंगे। और ये है हमारे यहाँ पे लाही दहन बोलते हैं, जो चारा लगाते, चारा के बीच में मेड़ में लगाते हैं, वहाँ पर लगा दिया है। चलो मिलाता हूँ मानिया से, मानिया तो ये बहुत यहाँ इंजॉय कर रही है, बिल्कुल भी उसको टेंशन नहीं मम्मी की, और दिखाता हूँ आपको मानिया को, देखो अभी ये है मानिया और ये है सानवी, दोनों लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और माने तो कैसे छुपा रही चॉकलेट, ये चॉकलेट खा रही ना पीछे से छुपा के, देखो ये चॉकलेट ले पड़ी है, इसके दांत खराब ना, इसको कह तो मत खा ले, तो चॉकलेट छुपा के खा रही, देखो
देखो भाजी देखो चॉकलेट लुका लिए, मैं जाकर देखना ले खाते ही दे। हाँ देखिए दांत खराब भी मना करते बिज्जत लुक लुक कर खा रही दे। देखो ये देखो इंजॉय करके सर पूरा पूरा देखो मजा आ रहा है। हैं मम्मी क्या तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही उसको मम्मी की यार। और अच्छे से खाना राइट साइड से ठीक है। हाँ ये बंदा हमारे यहाँ घर के देसी स्टाइल में चूल्हे में सब्जी काहे की कुमड़ा की कुमड़ा बोलते हैं आपको, तो कोई कद्दू बोलता है कोई कुमड़ा बोलता है और पेठा भी बोलते हैं। ये चूल्हा और बनना सब्जी है। देखो ये देखो हमारी भाभी बना रही है देसी स्टाइल में कुमड़ा। तो मैं आया हूँ खेत में अभी लाही कटाने मतलब सरसों कटाने। मैं भैया भाभी आए हो यहाँ पे हमारा 5 एकड़ का खेत है शायद 5.5 एकड़ का हो गया है। तो अभी कंपाइन से लाही कटाने के लिए आए दिखाता हूँ अभी खेत है यहाँ पे पूरा। ये खेत है स्कूल के बगल से और इधर खेत है उधर को ट्रॉली और ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पे और मैं अभी लाही कटाने वो कंपाइन वो चल रही उधर को दिखाता हूँ। ये देखो ये कंपाइन चल रही है यहाँ पे तो अभी कट रहा है। मैं फटाफट थोड़ा जो किनारे बचता ना जो सरसों वो थोड़ा काट देता हूँ ताकि वो क्योंकि वो पूरा ले नहीं पाती काटने के लिए तो मैं इसे उठा के रख देता हूँ काट के। तो ये आ रही कंपाइन काटते हुए उधर पूरा काट लिया है थोड़ा सा बचा काटने के लिए। तो ये आ रही कंपाइन काटते हुए ऐसे काटते हैं। फाइनली हमारी सरसों का खेत जो था सरसों कट गया है अब पूरा खाली हो गया दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो पूरा कट के बराबर हो गया यहाँ पे और सरसों निकल गई है। अब थोड़ी देर हम घर लेके चलेंगे ये पूरा इधर कट गया देखो अब दिखाता हूँ। ये पूरा कट गया है। सरसों ऐसे निकलती है कंपाइन में से। तो ये हमारी सरसों जो अपने पेड़ में से निकल के आ चुकी है यहाँ पे आधी ट्राली हुई है क्योंकि ये थोड़ा ख़राब हो चुकी थी ना पानी पड़ गया तो ज़्यादा इसलिए ऐसे हो गई है। देखो कैसे हो गई। दोस्तों मैं आया अभी अपने भतीजे की दुकान में और अभी पहुँचा हूँ मार्केट में। आ तो काफ़ी देर गया हूँ सामान ले रहा था फिर अभी थोड़ी देर इसकी दुकान में पहुँचा हूँ। ये मेरा भतीजा है सगा मेरे बड़े भाई का लड़का तो अभी दिखाता हूँ। ये है बसंत इसकी है राणा बूट हाउस के नाम दुकान और अभी इसको मेरा चश्मा बहुत पसंद आ रहा है गॉगल्स दिखाने को लगा के पसंद आ गया बहुत ही ज्यादा। फिटिंग मस्त है ना फिटिंग मस्त है। अरे तो यार चाचा ने लिया तो फिटिंग तो मस्त होगी नहीं आप पता नहीं जच रहा है कि नहीं जच रहा है वो बात अलग है और क्या जच क्या रहा है तो देख लेना शीशे में एक बार अच्छा लग रहा है ना सही है यार। तो मैं आ चुका हूँ घर पे और शाम के 6 पतले हो चुके हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से मैं आया हूँ और मुझे बहुत मजा आया मार्केट जाके। आज मेरा पहला दिन है मेरे घर में और बहुत इंजॉय किया मैंने पूरे दिन में। मैं आज खेत में भी गया मार्केट में गया और सुबह से मॉर्निंग में घूमते रहा। तो वीडियो कैसे लगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते कोई ऐसी नया ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।